वालेकुम। तो खुश आमदीद आपको हमारे चैनल पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बाय बिल्लो पे। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कि आप घर के बाहर जो घास लगी हुई थी उसको झाड़ू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने ये जो है हमारे पास टूटी हुई घर की झाड़ू है, इसे हमने लेना है और इसे हम बिल्कुल न्यू की तरह बनाएंगे। ये घास जो आप हमारी मशीन पे देख रहे हैं, इसे हमने जो है बाहर से उठाया है और अब हम इसे स्टिच कर देंगे ताकि इनके जो पीसेज हैं वो अलग अलग ना हो। स्टिच करने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर एक रबड़ रखनी है और रबड़ को आपने सिलाई कर देना है। सिलाई तो लेडीज को करनी आती है तो उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपने इन सारों को प्ले सेट करना है और पीछे से जो इसकी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो काट देनी है ताकि जो है आपकी झाड़ू जो है वो इक्वल लेवल में हो जाए। तो गाइस अब इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पीछे की लेयर्स जो है हमने ये काट दी हैं, तो अब इसको यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने ये इसको सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। इसकी जो सिलाई है वो आपने आराम से करनी है और आपको ये खतरा है, आप सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि ये जो सिलाई है आपकी सिलाई मशीन ये इसको कैसे सिलाई करेगी। ये बहुत आराम से इसको सिलाई करती है, इसमें कोई आपको मुश्किल या परेशानी नहीं आती। आप एक बार ट्राई करेंगे, इसको सिलाई करेंगे तो आपको इसमें कोई मुश्किल फेस नहीं होगी। आप बिल्कुल ईजिली इसको कर सकते हैं स्टिच। आप बस ऊपर रखें और धागा मशीन में डालें और इसको स्टिच कर दें, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। आपके पास जितनी जो आप पुरानी झाड़ू यूज़ कर रहे थे उसके हिसाब से आप इनके जो डंडे हैं वो स्टिच कर लीजिएगा कि आपको साइज़ कितना चाहिए, उतने साइज़ की आप ऊपर रबर रख के उसको आप स्टिच कर लें। ये मैंने धागा दोबारा डाल लिया, मेरा धागा एक बार निकल गया था इस वजह से। तो गाइस ये जब तक हम धागा डाल रहे हैं, धागा हमारा डल गया, तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ और ये मेरी मामा है। मेरी मामा जो है आर्ट्स एंड हैक्स की चीज़ें बनाती हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी ये चीज़ें आपको दिखाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें अच्छा सा, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ें और हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिया करें ताकि हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकें। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने धागा डाल दिया था, अब इसको स्टिच करते हैं। अपने स्टिचिंग जो है वो हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये बनाने का मकसद और हमारे दिखाने का मकसद ये है कि आपको बाहर से आपको कोई चीज़ ना लानी पड़े और आपके फजूल पैसे जो हैं वो वेस्ट ना हो। अगर तो आप क्रिएटिव हैं तो आप ये चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी घर के बाहर ये फजूल जो ट्रैश होता है ये लगा हुआ होता है, तो इसको यूटिलाइज करके आप ये चीज़ें सारी कर सकते हैं अगर तो आप क्रिएटिव। तो ये जी हमारे पुशेस जो हैं वो रेडी हो गई हैं, सिलाई उनकी सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है अब हमारा जो स्टेप है इसकी एक्स्ट्रा बुशेस जो हैं वो हम काट देते हैं ताकि जिसमें हमने चीज़ में फिट करनी है उसमें पूरी आए। तो ये है वो पुरानी झाड़ू जो हमने बाहर से बाजार से लेकर आए थे, उसका हाल बहुत ही बुरा हो गया। तो इसको हमने खोला, इसमें जो इसके स्क्रूज वगैरह होते हैं वो हमने ओपन किए एक प्लास की मदद से। फिर उसको ओपन करके हमने जो इसमें ये थी पुरानी झाड़ू जो थी ये निकाल ली सारी। ये बहुत थोड़ी मुश्किल से निकली थी लेकिन निकाल ली हमने। अब जो ये है, यह आपने एक मोटी सुई लेनी है कम्बलू वाली, उसमें आपने धागा डालना है। बेशक ऊन का धागा डाल लें या मोटे रिजाई छीने वाला धागा होता है वो डाल लें। वो डाल के आपने जो ये बुशेस छिए इसको उसके अंदर करके, प्लास्टिक के अंदर करके इसको सी लेना है। अभी हमने ये इसके अंदर की, फिर इसको जो है हम सेट करते हैं। ये फालतू जो थे हमने वो काट दिया। अब इसको थोड़े जो नीचे आपके पास फालतू पीस पड़े हुए वो आप ऐड कर लें ताकि जो झाड़ू आपकी है वो थिक हो जाए। तो ये जी इसको यहाँ पे थोड़ा सेट करते हैं। सेट करने के बाद थोड़े और पीसेज ऐड करते हैं ताकि जो हमारी जगह बची हुई है वो फुल एंड फिल हो जाए। तो ये करने के बाद अब जो हमारे पास स्टेप आता है वो है सिलाई का स्टेप। तो गाइस यहाँ अब हमारी झाड़ू हो गई थी फुल, अब हमारा स्टेप जो है इसे सिलाई करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे स्टेप फॉलो कर लें, ऐसे ऐसे आपने सिलाई करनी है। ऐसे जब आप सिलाई करेंगे तो आपकी जो झाड़ू है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और उसमें जो हमने अभी फ़िट किए हैं ये बुशेस जो हैं वो फ़िट किए हैं हमने, वो कहीं भी नहीं जाएंगी, वो बिल्कुल स्टिक हो जाएंगी झाड़ू के साथ अगर आप इस तरीके से उनको सिलाई करेंगे।
ये देखें, ऐसे आपने उनको एक एक गिरा लगानी है सिलाई करते वक्त, ताकि जो है आपकी डंडियां जो हैं वो बिल्कुल मज़बूत हो जाएं। इससे ये होगा कि आपकी झाड़ू जल्दी निकलेगी नहीं। वो तो आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है आप किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो हमने आपको तरीका बताया है इससे झाड़ू आपकी निकलेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड मज़बूत हो जाएगी। सिलाई करने का तरीका आप इंजॉय करें, इसमें तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकती, ये तो सिंपल है बिल्कुल। इसमें तो सिलाई ही करनी है, ये तो लेडीज़ को खुद भी करनी आती है, तो देखें आप ऐसे करनी है आपने सिलाई। ये मैंने मामा की अपनी वीडियो बनाई है, तो मैं उनको बता रही हूँ सारा कुछ कि इस तरह करती हैं, इस तरह आपने गिरा लगानी है उनको और सही टाइट काम कर देना है, फिर आपकी झाड़ू जो है रेडी स्टेडी एंड गो हो जाएगी। तो गाइस झाड़ू जो है इधर हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ये है इसका फाइनल रिव्यू झाड़ू का, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वीडियो ताकि आपको सही देख सके आप ये झाड़ू हमारी कैसी लग रही है। ये देखें, ये फुल सिलाई होके मजबूत एंड प्योर हो गई है। ये देख मैंने अपने भाई से कहा भाई झाड़ू लगा के दिखाओ और हमें इसका फाइनल रिव्यू चेक कराओ। ये देखें भाई झाड़ू लगा रहे और ये जो है सही क्लियर हो गई है। वाओ, मतलब रिजल्ट हमारा बड़ा अच्छा आया है, झाड़ू सही लगा रही है और हमारा फर्श जो है वो भाई ने क्लीन कर दिया है। चेक करें ये गन और ये साफ जगह। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।